जय हिंद दोस्तों। इस समय की न्यू यूट्यूबर्स और पुराने कुछ ओल्ड यूट्यूबर्स है उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। क्या समस्या बनी हुई है कि 50 से 100 व्यू आते हैं इसके बाद वीडियो रुक जाती है। इस समय की सबसे बड़ी जो चुनौती है कम व्यू जाते हैं। कम व्यू मतलब कम लोग देख रहे हैं, कम लोग देख रहे हैं। इस चीज को कैसे सही करें, इस चीज को हम कैसे ठीक करें कि हमारा व्यू पहले जैसे आए। तो इस समय तो कुछ है सच में यूट्यूब की ही तरफ से व्यू डाउन हुआ, पर इतना भी डाउन नहीं हुआ जितना आप सोच रहे हैं। यदि पहले आपके 1000 व्यू आ रहे थे या 10000 व्यू आ रही थी, ये मैं बात कर रहा हूँ न्यू यूट्यूबर्स के लिए, पहले 10000 एक्सपोजर के लिए वीडियो चल जाती थी, व्यू आ रहे थे, लोग देख रहे थे। अब प्रेजेंट टाइम में 1000 हो रहा है या 50 व्यू आ रहे हैं या 100 व्यू आ रहे हैं, तो ये समस्या कहीं ना कहीं हम लोगों की है वीडियो। तो इस समस्या को कैसे ठीक करें, और यदि आप कोई वीडियो डालते हैं तो वायरल कब होगी, कैसे होगी, आज ये दो टॉपिक पे बात करना है। और ये कैसे हल होगा इस चीज के विषय में पूरी जानकारी बताऊंगा। तो मैं पुष्पेंद्र कुशवाहा, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि व्यू कैसे बढ़ाएं, इसी टॉपिक में बात करेंगे। फिर वायरल वीडियो वायरल कैसे करें, ये दो टॉपिक हैं। तो व्यू बढ़ाने के लिए सबसे जो मेन मुद्दा है, कुछ डाउन हुआ है अब तक, बाकी जो यदि यकायक 10000 से 100 व्यू आपका आ रहा है, तो इस चीज पे हमें गौर करना है कि आखिर कहीं ना कहीं हमारे चैनल पे, हमारे चैनल पे गड़बड़ी है। क्या है, हमारे चैनल पे प्रॉब्लम है। इस चीज को सही करना पड़ेगा। इस चीज को सही करने के लिए सबसे पहला जो यूट्यूब का नियम है, यूट्यूब वाले बोलते हैं कि आप एक कैटेगरी का शुरू में क्या करते हैं, जैसे मैं ही कर दिया था शुरू में, सभी लोग करते हैं, जितने भी न्यू यूट्यूबर्स होते हैं कुछ भी कहीं का उठा के सब कुछ वीडियो डालते रहते हैं, और उन्हें लगा रहता है कोई वीडियो वायरल हो जाए। उनके दिमाग में बस वायरल लगा रहता है। कुछ भी दो जीके की डाल देंगे, दो न्यूज की डाल देंगे, दो जीके हो गया, दो न्यूज हो गए, ट्रायल लेते हैं कौन किसकी वीडियो, और लेना भी चाहिए ऐसा नहीं है, और दो इंफॉर्मेशन जानकारी देना है, दो कुछ बना लेंगे, दो फैमिली ब्लॉग बना लेंगे, ऐसे करके ट्रायल लेते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है, एक ही चीज पकड़िए, समय जरूर लगता है, लॉन्ग। एक उदाहरण में पिछले वीडियो में दे चुका हूँ कि लोहार होता है, आप देखें लोहार जो होता है वो एक लंबे समय तक यदि उसे हसिया बनाना, हसिया का डिजाइन देना है, तो लोहार क्या करता है, लोहे को आग में ऐसे चौड़ा होता है गलाता है, आग में डालता है और एक लंबे समय तक कूटता है, फिर निकालता है, आग से निकालेगा लोहा और एक बार कूट के वापस देखेगा क्या बना नहीं बना, तो फिर आग में डालेगा और फिर कूटेगा। मतलब क्या हुआ, मेहनत और प्लस धैर्य, ये दोनों चीज लोहार के पास होता तब जाके हसिया बनता है एक लंबे समय में। सेम यही प्रक्रिया है कि आपको मेहनत कंटिन्यू करना है और धैर्य रखना है, और व्यू डाउन होने का मुख्य कारण यही कि आप एक कैटेगरी नहीं बनाए। यदि आप जीके की बना रहे हैं एक कैटेगरी, मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं, फैमिली बना रहे हैं, तो शुरू से आप डिसाइड कीजिए अपने माइंड में, कॉन्सेप्ट में, जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे जब तक व्यू हमेशा कहीं ना कहीं कभी ना कभी डाउन होता रहेगा। आप पहले कॉन्सेप्ट कीजिए, मैं भी शुरू किया हूँ, अब एक ट्रैक पे चलिए, जीके डालिए, मोटिवेशनल वीडियो बनाए, टोटल मोटिवेशनल वीडियो डालिए, इसके अलावा कुछ नहीं। सबसे बड़ा व्यू वापस आने का यही मुद्दा है, केवल एक कैटेगरी लीजिए कोई भी, उस चैनल में केवल एक कैटेगरी की वीडियो डालिए, पहली चीज। एक कैटेगरी तो हो गया, एक कैटेगरी होगा तो व्यू वापस आ जाएगा। अब 4000 कुछ लोगों का न्यू यूट्यूबर्स के लिए 4000 घंटा सब्सक्राइबर वो लोग कर भी लेते हैं, 1000 एक तो सब्सक्राइबर नहीं होते, हो जाते हैं 1000, तो 4000 घंटा नहीं पूछती, तो उसके लिए पर डे क्या आपको करना पड़ेगा, 10 मिनट की कम से कम डेली 10 मिनट की एक वीडियो डालिए, डालना है और साठ 3 से 4 आप डाल दीजिए जिस कैटेगरी की। यदि आप जीके की बना रहे हैं तो जीके का ही साइड बनाइए और 10 मिनट की एक फुल बनाइए, और पर्सनल स्वयं का
स्वयं की वीडियो बनाना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके कॉपीराइट वीडियो मत डालिए, समय लगेगा। मैं फिर कह रहा हूँ दोबारा को दोबारा देखिए, मेहनत और धैर्य ये दोनों चीज बना के रखिए, और स्वयं की वीडियो जितनी ज्यादा स्वयं की वीडियो डालेंगे, जितनी ज्यादा स्वयं की वीडियो डालेंगे उतना ज्यादा आज यदि मेहनत धैर्य रखेंगे तो आगे चल के भविष्य में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमेशा। आप यदि कोई बंदा आईएएस यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, तो उसे भी धैर्य रखना, आईएएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसे भी धैर्य रखना पड़ेगा, सेम यही है। और दूसरी बात करें वायरल कैसे होगी, वायरल करने के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है 10 मिनट की डेली वीडियो डालिए और एक कैटेगरी में बनाइए और 10 मिनट की डेली डालिए, और उससे ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट यदि वीडियो वायरल करना है तो SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO करना, हर वीडियो में जो 10 मिनट की वीडियो डालेंगे तो SEO करना बहुत जरूरी है। SEO का होता है कि क्या आप टैग लगाए हो, टाइटल लिखे हो, डिस्क्रिप्शन लिखे हो, इन डिस्क्रिप्शन लगाए हो। SEO की अलग फुल वीडियो है वो देख लीजिएगा। SEO हर वीडियो में खुले में SEO करना बहुत जरूरी है। यदि आप SEO कर रहे हो हर दिन, मान लो कि एक वीडियो धोखे से वायरल हो गई आपकी एक कैटेगरी में जीके एक वीडियो, तो जो वायरल हो गई है ना अब उसी कैटेगरी में आप चैनल बनाइए उसी में, और लॉन्ग समय तक। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आज वीडियो डाल दिए और 2 माह तक वीडियो ही नहीं डाल रहे, 2 माह तक 15 दिन तक वीडियो ही नहीं डाल रहे, तो व्यू तो डाउन होगा ना, रीच तो डाउन होगी, व्यू डाउन होगा। यदि आप चलिए डेली, एक तो डेली डालना चाहिए, नहीं डाल सकते हैं डेली तो एक दिन छोड़ के एक दिन फुल जरूर डालना एकदम, एक तो डेली डालना चाहिए 10 मिनट, यदि नहीं डाल रहे हैं तो एक दिन के बाद दूसरे दिन बिल्कुल डालना जरूरी है। SEO करना सबसे ज्यादा वो कैटेगरी जो सर्च करते हैं, जैसे मुझे मौलिक अधिकार नहीं पता, मौलिक अधिकार पता करना, मैं जीके की मैं बात करता हूँ स्टूडेंट की, मुझे पता करना मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार पता नहीं है, मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, सब लोग पढ़ नहीं सकते मुझे, पर हर आज के डेट में हर घर में मोबाइल है, एंड्रॉयड फोन है, क्या है एंड्रॉयड फोन, वो सर्च करेगा मौलिक अधिकार अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड में यूट्यूब खोलेगा और मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, 15, 18, 19, 20, 22 जो भी है वो पूरा एक वीडियो आ जाएगा। अब आप वीडियो को साइड को जब सर्च करेंगे यूट्यूब में साइड भी आएगा, तो साइड यदि नॉर्मल जानकारी के लिए चाहिए तो साइड देख लेगा, इसलिए साइड हर टॉपिक में जो फुल आप वीडियो बना रहे उसमें साइड भी बनाओ। उसके बाद वो 10 मिनट की जो वीडियो रहेगी सर्च में बहुत सारे लोग आएंगे, मौलिक अधिकार बहुत सारे लोग, क्योंकि जीके में आप भर वीडियो दुनिया के करोड़ों लोग वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें जब मौलिक अधिकार आएगा तो 10 मिनट की वीडियो रहेगी तो तुरंत जो आएगा उसमें नहीं देखेगा, तो एंड्रॉइड फोन में ऊपर नीचे करेगा, अभी लोग करते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, फिर जो अच्छा थंबनेल, एक चीज और बताना बोलूंगा, थंबनेल जब वीडियो बनाए तो थंबनेल इसी SEO के अंदर बताता है, इसलिए मैं बोला हूँ कि अलग से SEO की वीडियो बनी हो वो देखना पड़ेगा, SEO कैसे करते हैं अपने वीडियो में, तो थंबनेल देख के बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए थंबनेल ऐसा बनाओगे बहुत ज्यादा, जब थंबनेल आप ऐसा बनाओगे तब जाके वीडियो वायरल होने के चांस ज्यादा रहते हैं। वायरल होने का मतलब मुख्य कारण हो गया, बोर्ड को भर गया है, मुख्य कारण होता है सर्च वाला मैटर होना चाहिए, सर्च जो लिख के सर्च करते हैं, जैसे उदाहरण दिया मौलिक अधिकार, सर्च सर्च वाला मैटर होना चाहिए, ठीक है कोई भी मैटर हो सर्च वाला, अधिकतर फैमिली ब्लॉग भी बहुत सारे लोग बनाते हैं, फैमिली ब्लॉग बना सकते हैं सर्च वाला, ये पूरा SEO के अंतर्गत आता, तो SEO की नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। रीच डाउन होने का मुख्य कारण यही मैं स्टार्टिंग में बना दिया हूँ, क्या है कि आप अलग अलग कैटेगरी की वीडियो डालते हैं, इसलिए अपना टारगेट कीजिए एक ही कैटेगरी की वीडियो होना चाहिए, एक ही कैटेगरी के साथ SEO करना अनिवार्य है, ये सभी न्यू यूट्यूबर्स के लिए। बस इस वीडियो में इतना ही, SEO के लिए नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए, जैसे क्या हो गया थंबनेल कैसे बनाना है, टाइटल कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में लिखने के साथ साथ टैग में क्या क्या लिखना है, पूरी SEO की पूरी जानकारी से एक अलग वीडियो है वो जाके चेक कीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।